हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक की समरी लेके आया हूँ। ये उन रेयर बुक्स में से एक है जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है। ये बुक में चार्ली मंगर, जो एक सेल्फ मेड बिलियनर है, इसमें उनकी लाइफ के और इन्वेस्टिंग के टाइमलेस लेसन लिखे गए हैं। ये बुक ऑलमोस्ट 500 पेजेस की है, और अगर आप इस बुक का कोई भी रैंडम पेज उठाओ और उसमें से कोई भी रैंडम लाइन पढ़ो तो गारंटीड है कि आपको उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीखने मिलेगा ही। पर दोस्तों, इंडिया में ये बुक शायद इतनी फेमस नहीं है क्योंकि ये इंडियन रुपीस में थोड़ी महंगी है और रेट करने में थोड़ी डिफिकल्ट भी। लेकिन इस बुक में जितनी आपको वैल्यू मिलेगी वो इसके प्राइस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने ये बुक रीड नहीं की है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज आपको वीडियो के एंड होने से पहले पता चल जाएगी कि इसमें कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वैल्यूएबल बुक से आज मैं कुछ वैल्यूएबल लेसंस शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग मनी, इन्वेस्टिंग और माइंडसेट, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ली मंगर के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। चार्ली मंगर की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो कहते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब, जब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते और लोग स्टॉक से डरते हैं, तो फिर आप ज्यादा प्रॉफिट्स के पीछे क्यों भाग रहे हो। आप इसके बदले उसका उल्टा सोचने की कोशिश करो। दोस्तों, हम लाइफ के और इन्वेस्टिंग के बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑपोजिट तरीके से सोचकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे, जब पूरी दुनिया ये सोचती है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, तो आप ये सोचो कि कौन सा स्टॉक आपको लॉस नहीं देगा। क्योंकि हम अपने पैसों को रातों रात बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अपने पेशेंस को जरूर बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो जहां पूरी दुनिया ये सोचती है कि ऐसी कौन सी चीजें उनकी लाइफ में वो ज्यादा करके ज्यादा खुश हो सकते हैं, तो आप ये सोचो कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जैसे, लोग लोन लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपको हैप्पीनेस के लिए ज्यादा चीजें नहीं करनी है, आपको उल्टा सोचना है और वैसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो अगर आप लाइफ में और इन्वेस्टिंग में कंटिन्यूसली ऐसी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो चांसेस है कि आप ऑटोमेटिकली अमीर बनोगे और एक अच्छी लाइफ जियोगे। दूसरा, बेटिंग ऑन बिजनेस इज मच बेटर देन बेटिंग ऑन मैनेजमेंट। चार्ली मंगर के हिसाब से आपको कंपनी के बिजनेस पर बेट करना चाहिए, यानी उसका बिजनेस मॉडल उसके मैनेजमेंट से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन बिजनेस और बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म तक हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे, आप रिलायंस में मुकेश अंबानी की जगह पे या फिर टेस्ला में इलॉन मस्क की जगह पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स काफी सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, या फिर एप्पल, स्टीव जॉब्स को मर के सालों हो गए, लेकिन फिर भी ये कंपनी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रक्चर ही उतना स्ट्रांग है। तीसरा, अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेटर प्राइस। मतलब, कंपनी के लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी थोड़े से ज्यादा प्राइस पे खरीद लेते हो और उसमें एकदम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो अगर वो कंपनी का हर साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का होता है, तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 20% के आसपास का ही होगा। तो अगर आप उस अच्छी कंपनी को खरीदने के लिए थोड़ा सा ओवर पे भी कर लेते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई एवरेज या बुरी कंपनी को एकदम सस्ते प्राइस पे खरीदते हो, जैसे उसकी बुक वैल्यू से भी 50% डिस्काउंट पे, और वो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में सिर्फ 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 5% के आसपास का ही होगा। क्योंकि हो सकता है 20 साल बाद भी वो कंपनी 50% बुक वैल्यू में ही बिक रही है। चौथा, वी वेट फॉर नो ब्रेनर्स। दोस्तों, अगर आप दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन का रिकॉर्ड चेक करो तो आपको पता चलेगा उनके 60% एक्विजिशन फेल होते हैं। मतलब, बड़ी कंपनीज के पास जब ज्यादा पैसा आता है और वो छोटी कंपनीज को खरीदती है, तो उनके 3 इन्वेस्टमेंट्स में से 2 इन्वेस्टमेंट्स हमेशा फेल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कंपनीज तब इन्वेस्ट करती है जब उनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो अक्सर अच्छे मार्केट कंडीशन के टाइम पे होता है। लेकिन उन्हें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और वो जरूरी नहीं है कि अच्छे मार्केट कंडीशन के टाइम पे ही आए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज अक्सर बुरे मार्केट के टाइम पे आती है। दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन ये मिस्टेक बड़ी कंपनीज के हाई पेड ऑफिसर से लेकर छोटे मोटे न्यू स्टॉक इन्वेस्टर्स भी करते हैं। फिफ्थ, चार्ली मंगर ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं
जिनके मोट हर साल स्ट्रांग होते रहते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो चल जाएगा, क्योंकि मार्केट क्रैश रिसेशन आते रहते हैं। लेकिन कंपनी के पास जो एडवांटेज है जिसकी वजह से उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स उससे एकदम पीछे ही रहते हैं, तो वो कंपनी हमेशा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है। जैसे आप गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे उतना ही हम गूगल को भी यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट, पेशेंस। दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती है जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, हम्बलनेस, इसमें से पेशेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। अगर आप डे ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, और हर स्ट्रेटजी कुछ टाइम के लिए ही चलती है। जैसे ही उस स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग कॉपी करने लगते हैं तो वो स्ट्रेटजी बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं कर सकती, लेकिन पेशेंस एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमेशा काम करेगी। लेसन नंबर 2, चार्ली मंगर के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। दोस्तों जिस तरह एक पायलट जब प्लेन उड़ाने से पहले एक चेकलिस्ट यूज करता है ABCD, उसी तरह चार्ली मंगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक चेकलिस्ट यूज करते हैं जिससे उनके लॉसेस बहुत कम होते। सबसे पहला, रिस्क। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत रिस्क के बारे में सोच के करनी चाहिए। अगर आपको कोई स्टॉक में परमानेंट कैपिटल लॉस का चांसेस लग रहा है तो वैसे स्टॉक को आप पूरी तरह अवॉइड करो। और दोस्तों जो स्टॉक मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन होते हैं और मार्केट क्रैश की वजह से जो 40-50% तक स्टॉक का प्राइस गिरता है, चार्ली मंगर उसको रिस्क नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से जब स्टॉक 50% नीचे गिरता है तो वो ज्यादा रिस्की होने के बदले और कम रिस्की होता है, क्योंकि वो कंपनी आपको और सस्ते प्राइस पे खरीदने को मिलती है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, बी इंडिपेंडेंट। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा जब आप क्राउड के अगेंस्ट फैसला लेते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक बार भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हो तो आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हो, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट रिजल्ट भी एवरेज होगा। तीसरा, आपको कंटिन्यूसली रीड करके अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। अगर आपको स्मार्ट बनना है और लाइफ में अच्छे फैसले लेने हैं तो आपको अपने आप से हर एक चीज को क्वेश्चन करना होगा कि मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इसीलिए आपको एक हैबिट डालनी होगी अपने अंदर why पूछने की, और उससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। चौथा, द बिगनिंग ऑफ विजडम। दोस्तों जब आप ये मान लो कि आपको हर चीज़ें पता है तो आप उसके बारे में कुछ नया सीख नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप उस प्रॉब्लम को पहचानने का होता है, और आप अपने आप को सबसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। पांचवा, पोर्टफोलियो एलोकेशन। दोस्तों एज एन इन्वेस्टर आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन करने का। जब आपको कोई अच्छा मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, तब आपको उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छे मौके रेयरली आते हैं। छोटा मोटा अमाउंट तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन असली वेल्थ बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से बनती है। लेसन नंबर 3, टू अ मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। दोस्तों चार्ली मंगर हमें स्ट्रांगली कह रहे हैं कि हमें मल्टी डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए, यानी हमारे पास लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मान लो एक कारपेंटर है और उसके पास सिर्फ एक ही टूल है जो है हथौड़ा, तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, उससे ठोक सकता है, और इसीलिए उसको सारी प्रॉब्लम एक नेल की तरह दिखेगी। लेकिन एक अच्छे कारपेंटर के पास उसके टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होंगे और होने चाहिए। उसी तरह हमारे पास इन्वेस्टिंग में और रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे टूल्स होना जरूरी है। चार्ली मंगर इन टूल्स को मेंटल मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल्स अलग अलग फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब दोस्तों आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर PhD करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक नॉलेज भी चलेगी। ये टूल्स इन्वेस्टिंग में और रियल लाइफ में उतने ही जरूरी है जितने हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। उसके बिना हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यानी चार्ली मंगर की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर कोई आदमी बिना ये टूल्स के लाइफ जी रहा है तो वो लंगड़ा है और एक एस किकिंग कॉन्टेस्ट में एंटर कर रहा है। तो अब आप पूछोगे ये सब मेंटल मॉडल्स क्या है और हमें कौन सी फील्ड्स की नॉलेज होना चाहिए, तो वो ये सब है। शुरुआत के कुछ मॉडल्स हैं मैथ्स के ऊपर, जैसे बेसिक एरिथमेटिक, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप कंपाउंडिंग को अच्छे से नहीं समझते तो चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते। कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स हमेशा लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। फिर दूसरा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसकी नॉलेज आपको तब लगती है जब आप कुछ स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। फिर आता है अकाउंटिंग। इसकी आपको जरूरत होगी जब आप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करोगे। फिर ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है जैसे डिसीजन ट्रीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दोस्तों हमें साइकोलॉजी के कुछ मेंटल मॉडल्स सीखना चाहिए, जैसे इंसेंटिव कॉस्ट बायस,
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सोशल प्रूफ, संक कॉस्ट, फर्स्ट कॉन्क्लूजन बायस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इंजीनियरिंग से जैसे बैकअप सिस्टम, ब्रेक पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर इकोनॉमिक्स में से जैसे एडवांटेज ऑफ स्केल, वेल्थ इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड। और फिर मार्केट्स में जैसे टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रक्शंस, पेरीम्यूटल सिस्टम, मिस्टर मार्केट, कैंसर सर्जरी फार्मूला। और फिर मैनेजमेंट के जैसे चेकलिस्ट, बिग नो ब्रेनर क्वेश्चंस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। फिर बायोलॉजी के जैसे नेचुरल सिलेक्शन, फीडबैक लूप्स। और फिर स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी और हिस्ट्री। अब दोस्तों इन सारे मेंटल मॉडल्स के ऊपर मैं अलग अलग करके डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप भी अपनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इम्प्रूव कर सको और अपनी लाइफ में अच्छे फैसले ले सको। क्योंकि दोस्तों जब आप इन मॉडल्स को सीख लेते हो तो ये सब कम्बाइन होते हैं और इसके कॉम्बिनेशन से आप काफ़ी बेहतर फैसले ले सकते हो अपनी लाइफ में, जिसको चार्ली मंगर कहते हैं लूला पलूजा इफेक्ट। अब दोस्तों थोड़ी देर में हम एक रियल एग्जांपल के बारे में बात करने वाले, जिसमें इसमें से बहुत सारे मेंटल मॉडल्स के बारे में हम रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि हमें ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्कूल में सीखने नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम कोई एक फील्ड की पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ उसके ही कॉन्सेप्ट सीखने मिलते हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको मैथ्स के मॉडल्स अच्छे से पता होंगे, और अगर आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है तो आपको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन आपको कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो आपको वो अलग से सीखना होगा। तो हमें चार्ली मंगर एक छोटी सी पोएम के जरिए सिखाते कि हमें ये सारे मेंटल मॉडल्स खुद से सीखने पड़ेंगे, जिसकी पंच लाइन ये है, देन आई डू इट माई सेल्फ। ये पोएम कुछ इस तरह है, आप ये वीडियो को पॉज करके इस पोएम को रीड कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे पास इन्वेस्टिंग में कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करके उसे हैंडल कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये बुक रीड करने के बाद ये सब मॉडल्स को बहुत ही डिटेल में सीखे। और इन सारे मेंटल मॉडल्स में से सबसे शॉकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट था साइकोलॉजी का, जो मैंने इस बुक में से रीड किया है। और मैं ये बुक आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ रीड करने के लिए। चार्ली मंगर की लैंग्वेज में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये बुक को खरीद कर उसे रीड नहीं किया है तो आप इसका प्राइस ऑलरेडी पे कर रहे हो लाइफ में गलत फैसले लेकर। लेसन नंबर 4, अ ट्रिलियन डॉलर एक्सरसाइज। दोस्तों आइए इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम रियल लाइफ में चेक करते हैं, जिसको चार्ली मंगर ने इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। ये एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट था जो चार्ली मंगर ने एक स्पीच में दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमको इन्वेस्टिंग के और बिजनेस के कुछ टाइमलेस लेसन सीखने मिलते। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है। दोस्तों मान लो आप 1884 में जी रहे हो और आप काफी स्मार्ट हो, लेकिन इतने अमीर नहीं। तो आपके टाउन के एक अमीर आदमी ने आपको बुलाया, जिसका नाम है ग्लॉट्स, और उसने आपके साथ 20 और स्मार्ट लोगों को बुलाया। वो इसलिए ताकि आप लोग उस अमीर आदमी को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जिसमें उसके $2 मिलियन आने वाले 150 सालों में $2 ट्रिलियन बन जाए, यानी 1 मिलियन मिलियन या फिर इतने डॉलर्स। अब दोस्तों ऑब्वियसली 150 सालों तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए आपको सिर्फ उस अमीर आदमी को अपना बिजनेस प्लान बताना है लॉजिक के साथ, जिससे वो कन्विंस हो जाए कि आपका बिजनेस प्लान सबसे अच्छा है। और अगर वो अमीर आदमी कन्विंस हो गया तो वो आपका बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करेगा और उस कंपनी की आधी वेल्थ आपके नाम कर देगा। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में मैक्सिमम न्यू कंपनीज शुरुआत में ही बंद हो जाती है। हर 10 नई कंपनीज में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं शुरुआत के सिर्फ 5 साल में। तो आप उस अमीर आदमी को कैसे कन्विंस करोगे और क्या कहोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और एक ही अटेम्प्ट है। तो चार्ली मंगर मल्टीपल मेंटल मॉडल्स को यूज करके हमें बता रहे कि एक अच्छा बिजनेस किस तरीके से शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट्स बेच के इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, यानी उस कंपनी का एक यूनिक ब्रांड होगा। दूसरा, हम $2 ट्रिलियन सिर्फ एक सिटी में बिजनेस करके नहीं कमा सकते, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसको हम पूरी दुनिया में इजीली बेच सके। तीसरा, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट चुनेंगे जिसको न्यू टेक्नोलॉजी से कोई भी नुकसान नहीं होगा, जैसे कोई खाने का या ड्रिंक्स करने का प्रोडक्ट। चौथा, हम एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बेचेंगे जिसे बच्चे से लेकर बड़े लोग कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हम कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट से उस प्रोडक्ट के ब्रांड को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि जब लोगों को उसे खरीदना होगा तो लोग शॉप पर जाकर उस जेनरिक चीज का नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस ब्रांड का नाम लेंगे। जैसे इंडिया में बच्चे स्टेशनरी पर जाकर ग्लू या गम नहीं मांगते, वो फेविकॉल मांगते, या फिर जल्दी सूखने वाले गम की जगह पर लोग फेविक्विक मांगते, या फिर पानी की बोतल की जगह पे लोग बिस्लरी मांगते। फिर चार्ली मंगर हिस्ट्री के मॉडल्स को यूज करके ये बताते कि आने वाली जनरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ता है, मतलब लोग ज्यादा फ्री होंगे और ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे,
फिर वो साइंस के मॉडल को यूज करके ये बताते है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से लोग कम 1 या 2 लीटर पानी ज्यादा पियेंगे। इसीलिए हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो लोग प्यास लगने पर डिजायर करे तो एक अच्छा आइडिया होगा। इसीलिए हम एक सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करेंगे और इस सॉफ्ट ड्रिंक में हम 2 चीजें ऐड करेंगे, शुगर और कैफीन। ये दोनों चीजें ऐसी है जिसकी अगर लोगों को हैबिट होती है तो वो आसानी से छूटती नहीं है। फिर हम साइकोलॉजी का एक मेंटल मॉडल यूज करेंगे, कंडीशन रिफ्लेक्सिस। इसका मतलब जब भी आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पे रहते हो तो आप एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे जब भी किसी बच्चे को बाजार में चॉकलेट दिखती है तो उसे खाने का मन करता है, या फिर जब हम टीवी में ऐड देखते हैं पिज्जा या केक का तो हमें भी उसे खाने का मन करता है। और फिर चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लो, वो डिजायर आपके मन में रहता ही है। फिर चाहे आप उसे एक दिन मत खाओ लेकिन नेक्स्ट डे आप कंज्यूम करते हो। वो टीवी ऐड देखने से पहले हमें उस पिज्जा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उस ऐड के देखने के बाद वो डिजायर हमारे मन में आया और हमने उसे कंज्यूम किया। फिर हम इस सॉफ्ट ड्रिंक का एक कूल और फैंसी नाम रखेंगे, क्योंकि ग्लॉट्स शुगर वाटर किसको पीना है, लोगों को कोका कोला पीना है। फिर हम इसमें थोड़ा कलर मिला देंगे जिसकी वजह से ये एक बहुत ही रॉयल और लग्जरियस वाइन की तरह दिखेगा, लेकिन रियलिटी में ये एक वाइन नहीं होगा। इसीलिए जो लोग अल्कोहल नहीं पीते वो भी इसे शान से पियेंगे। फिर हम इसके टीवी एड्स में हमेशा यंग और अट्रैक्टिव लोगों को रखेंगे। आफ्टर ऑल यंगस्टर्स हमेशा दूसरे यंग लोगों को देखकर कॉपी करते हैं। ये एक साइकोलॉजी का सोशल प्रूफ का मेंटल मॉडल है। और दोस्तों जब हम कॉपी करने की बात कर रहे तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे जैसे ड्रिंक्स कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ये कोका कोला ब्रांड पूरी दुनिया में ऑलरेडी फेमस होगा। और अगर कोई दूसरा ब्रांड हमारे कोक से ज्यादा टेस्टी भी होगा तो भी लोग हमारे ब्रांड को ही प्रिफर करेंगे। फिर आप उस पोस्टर में ऐसी ब्यूटीफुल लड़की को ऐड कर दो और बस जब भी आप ऐसे कोई पोस्टर को देखोगे किसी भी शॉप पर तो आपको भी उसे पीने का मन करेगा और बहुत ही जल्दी लोगों को उसकी हैबिट हो जाएगी। द ब्रेन ऑफ मैन यर्न्स फॉर अ टाइप ऑफ बेवरेज हेल्ड बाय द प्रीटी वुमन ही कांट हैव। अब दोस्तों ये पूरे एग्जांपल का मकसद ये था कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चालू करने के लिए या अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए ऐसे मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की तारीख में लोग इतने हाई क्वालिफाइड होते, कुछ लोग MBA या PhD करते, लेकिन वो सिर्फ इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि लोग कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, तो उसे कॉपी करना तो बहुत दूर की बात होगी। लेसन नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, चार्ली मंगर के इम्पोर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू डिजर्व व्हाट यू वांट। अगर आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए या अच्छा करियर चाहिए या बहुत सारे पैसे चाहिए तो आपको उसे डिजर्व करना होगा, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल भी जाती है और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप उसे बहुत जल्दी खो दोगे। फिर चाहे वो बहुत अच्छी पार्टनर भी क्यों ना हो, बहुत सारा पैसा हो या कुछ और, क्योंकि एक अच्छी लाइफ बाय नेचर डिजर्व की जाती है। दूसरा, डोंट वर्क फॉर एनीवन यू डोंट रिस्पेक्ट एंड एडमायर। आप उन लोगों के साथ कभी काम मत करो जिनकी आप कभी इज्जत नहीं करते। तीसरा, डोंट सेल एनीथिंग यू वोंट बाय योरसेल्फ। अगर आप बिजनेस करते हो या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो कोई ऐसी चीज मत बेचो जो आप खुद नहीं खरीदोगे। चौथा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। Knowing what you don't know is more useful than being brilliant. Charlie Munger दुनिया के सारे स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। Yes, no और तीसरा too difficult to understand. आप दुनिया के सारे बिजनेस को अच्छे से नहीं समझ सकते। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, इट्स चीपर। अगर वॉरेन बफे और चार्ली ने कॉलेज छोड़कर कुछ नया नहीं सीखा होता तो बर्कशायर हैथवे नाम की कोई कंपनी नहीं होती, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ये 2 लोगों का नाम नहीं होता, ये बुक नहीं होती और हमारे पास इसमें से सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए गो टू बेड अ लिटिल वाइजर ईच डे। कुछ ही सालों में आप सरप्राइज हो जाओगे ये देख के कि आप बाकी लोगों से कितना ज्यादा आगे निकल गए, क्योंकि आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है। कोई भी रातों रात जीनियस नहीं बनता। दोस्तों मेरे से लोग पूछते कि मुझे इतनी नॉलेज कैसे मिली इन्वेस्टिंग के बारे में, तो उसका आंसर सिंपल है, मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं हर रोज मिनिमम 3 घंटा रीड करूं। फाइनली दोस्तों चार्ली मंगर की एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट स्पीच है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। इसमें चार्ली मंगर ने डिटेल में बताया है कि हम कैसे कंटिन्यूसली लाइफ में गलत फैसले लेते रहते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ये एक अलग ही लेवल की स्पीच है, इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो और मैं ये बताना चाहूंगा कि बुक में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। कमेंट करके मुझे बताना मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।